गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीसीएमई अर्थात बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की क्लास में आपका स्वागत है स्टूडेंट। इसमें दो पार्ट है, एक मैकेनिकल का है एक सिविल का है। मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट बताऊंगा इसमें जो भी है। तो ये मैकेनिकल का सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और लेक्चर नंबर 1 है। आज मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसमें कितने यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए, हमारे जो बीएमसी है सब्जेक्ट है उसमें केवल मैकेनिकल जो सब्जेक्ट है जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें केवल 3 यूनिट है। पहले यूनिट में आ जाती है थर्मल इंजीनियरिंग, क्या आती है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा आपका, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत क्या होंगे, ऊर्जा के स्रोत, और उसमें उसी के अंतर्गत कुछ डिफिनेशन रहेंगे जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ इत्यादि आएंगे आपके। और ऊर्जा के स्रोत जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, पावर प्लांट्स के जो है ऊर्जा के स्रोत, तो सारे इसी के अंतर्गत आएंगे इसमें थर्मल इंजीनियरिंग में। उसी में एक सब टॉपिक दिया है फ्यूल एंड कंबशन। ये हमारे फ्यूल कौन कौन से यूज होंगे इसमें एनर्जी को बनाने के लिए, और उसमें जो इधर होगा वो ज्वलनशील होगा कि नहीं ज्वलनशील होगा इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें इसमें फ्यूल एंड कंबशन के टॉपिक। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट जिसका नाम है मशीन कंपोनेंट्स, मशीनी अवयव, मशीनी अवयव। इसमें कई टॉपिक हैं, कई सब टॉपिक हैं। तो आप जैसे गियर, पहला एक टॉपिक दे दिया हमने आपको गियर, दूसरा स्प्रिंग। तो गियर के बारे में बहुत डिटेल से फिर पढ़ना है, कई प्रकार के गियर होते हैं, कौन सा गियर कहाँ यूज होता है, उसकी आकृति कैसी है, वो कैसे बनता है, ये सब हम देखेंगे मशीनी कंपोनेंट्स में। गियर, गियर के टाइप्स हैं, कौन से गियर कहाँ यूज होगा, ये सारी बात उसमें करेंगे हम मशीन कंपोनेंट्स में। फिर उसी में सब टॉपिक है जिसका नाम है स्प्रिंग। बच्चे स्प्रिंग क्या करती है, कितने प्रकार की होती है, उसका यूज कहाँ करते हैं, कौन स्प्रिंग कहाँ लगाई जाएगी, इस स्प्रिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें करेंगे मशीनी कंपोनेंट्स के सब टॉपिक स्प्रिंग। फिर आते हैं तीसरा यूनिट जो है हमारा वो लुब्रिकेशन। क्या होगा लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन इसमें है जिसको कहते हैं स्नेहक, अर्थात वैसा तरल पदार्थ जो हमारे घर्षण को कम कर देता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के बारे में काफी डिटेल को पढ़ना है कि लुब्रिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है, कौन सेमी लिक्विड होता है, इनके विषय में हम लुब्रिकेशन टॉपिक में बात करेंगे। कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट इसका जो रिलेशन होगा इससे भी होगा, क्योंकि जो मशीनी कंपोनेंट्स हैं उनमें भी क्या होगा लुब्रिकेशन का काम पड़ेगा, अर्थात उसका भी यूज हमारे मशीनी कंपोनेंट्स में होगा। स्नेह के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे स्टूडेंट। बस आपको ये जानकारी प्राप्त करना है कैसा है, कितने यूनिट है, यूनिट में हल्का सा डिटेल्स में आपको हमने बता दिया है थर्मल इंजीनियरिंग में क्या करना है,
एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, फ्यूल्स एंड कंबस्टन के बारे में बात करनी है, दूसरे यूनिट में मशीन कंपोनेंट्स के विषय में बात करनी है, जिसमें सब टॉपिक दिया है गियर और स्प्रिंग, इसके विषय में प्राप्त करना है जानकारी, तीसरे में लुब्रिकेशन अर्थात इसमें। तो ये बच्चे क्या हुआ है आपका, ये सिलेबस का है डिटेल्स है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी हमने इसको प्रोवाइड करा दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपने चलता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, उसको नोट करेंगे और प्रत्येक यूनिट को आप क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट।